यू वांट टू से समथिंग किसी किसी जर्नलिस्ट का ट्वीट आया था आज, बीच में मत बैठना जब वार्निंग दिया मुझे नहीं कुछ नहीं, इट वाज एड्रेस्ड टू मी एंड प्रीतम. Someone's got questions for us. Bhushan sir, how are you? Welcome. We have Ravi sir also here. The actually, let's first question be from Bhushan. Music delivery kab hogi sir? Probably ask about the third song. सर सवाल है कि आपके एक्टिंग की बात की जाती है, बाकी चीज़ों की बात की जाती है, डांसिंग स्किल जो है आपकी उसके बारे में काफ़ी आप भी कम बात करते हैं और रेगुलर लिखा भी कम जाता है, ज़रा उसके बारे में बताएं अपने डांस की कैपेबिलिटी के. वेल एक्चुअली जैसे सब जानते हैं हिंदी फिल्मों में डांसिंग बहुत ज़रूरी होता है. आई थिंक एवरी एक्टर फॉर देम टू डांस एंड रियली हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसके जैसे इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ. आई थिंक शी इज़ अमेजिंग, वो तो है, द वे शी डांसेस. Not many people know कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह, कमली, ये सब बहुत उमदा गाने किए थे, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था क्योंकि मैं इसको यू नो रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था. देर इज़ नो ग्रेटफुलनेस दैट यू हैव शोड अबाउट दिस एंड यू बिकम दिस. पीके आया क्या? जो भी वो आमिर खान था. नो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन. एंड जब हम दादा के साथ गाना करते हैं, दादा कोरियोग्राफर को तो बुलाते हैं लेकिन खुद डांस करते हैं, यू नो जस्ट टू सी हिम हैविंग सो मच फन, यू नो लाइक ऑल द स्टेप्स इन दिस सॉन्ग ऑल्सो एवरीथिंग वॉज इम्प्रोवाइज. ऐसा हमने कुछ रिहर्सल बिल्कुल किया नहीं, सेट पे जाके हमने पूरा गाना शूट कर दिया था.